हरिओम। हरिओम बेटा, ऊंचा बोलिए जल्दी से बेटा, अपना नाम बताइए। यशोदा। यशोदा बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? सलेन से, राजगढ़ जिला से। बेटा कितने वर्ष के हो आप? मैं 42 वर्ष की हूँ। अपनी बेटा बा का नाम बताओ। बोली भाई। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा घर में बहुत ज्यादा आपकी अशांति रहती है, तनाव रहता है, बरकत बिल्कुल भी नहीं होती बेटा। घर में पैसा बीमारी पर जाएगा, आपके बच्चों का काम नहीं हो पाएगा। बेटे हैं ना बेटा आपके पास? बेटा बड़े बेटे की शादी की तैयारी कर रहे हो? हाँ तैयारी कर दिया है, पर बेला गुरुजी हमारी बड़ा बेटा। और जो छोटा बेटा है उसकी बेटा नौकरी में बाधा आ रही है बेटा? बेटा आपके घर में बेटा पितृ दोष है बेटा, सूर्य आपका पीड़ित है। आप परिवार के सभी लोगों को सूर्य की पूजा करनी चाहिए। परिवार के सभी लोग, आपके बच्चे, आपके पुत्र, नित्य दिन बेटा सूर्य को जल दिया करो। तांबे के लोटे में थोड़ा लाल चंदन डालकर जल भरकर सूर्य देवता को बेटा जल अर्पण करना शुरू कर दीजिए। रोजाना बेटा एक रोटी बेटा आटे में गुड़ डालकर, यानी गुड़ वाली एक मीठी रोटी आपने रोज बनानी है अपने घर में अपने हाथ से। उस रोटी के बेटा दो टुकड़े करने हैं। आधी रोटी बेटा आपने गाय को खिलानी है, आधी रोटी आपने बेटा कुत्ते को खिलानी है। ये अपना नियम शुरू कर दीजिए। 5.25 रत्ती का शुद्ध रूबी रतन आपके दोनों बच्चों को सीधे हाथ की बेटा अनामिका उंगली में या लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण करना है। रविवार के रविवार आपके बच्चे मंदिर में जाके शिवलिंग पर लाल चंदन का तिलक लगा के बेलपत्र पर, वो बेलपत्र मंदिर में बेटा शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दें। और 5 शनिवार जो छोटा बेटा है जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, उसको 5 शनिवार 800 ग्राम गेहूँ, 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम लाल चंदन, ये चीज़ें बेटा मंदिर में लाल कपड़े में बांध के बेटा दान करनी है। इससे बेटा आपका उपाय पूर्ण होगा और आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी और जीवन में बेटा सुख शांति का बेटा योग बनेगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं।